subscribe to the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary. तो आज की वीडियो पे हम सीखने वाले हैं या बात करने वाले हैं ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम के बारे में या ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम के बारे में. दोनों ही एक ही टॉपिक है. इस टॉपिक में बेसिकली हम सीखेंगे जो बेसिक आपके ऑर्गन्स हैं आपके एक्सक्रेटरी सिस्टम्स के, जैसे कि बात करें किडनी की हो, यूरेथ्रा की हो, यूरेटर की हो या फिर ब्लैडर की हो, उनके क्या बेसिक एनाटॉमी है, क्या उसके बेसिक फिजियोलॉजी है. नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे डिटेल्ड ऑफ द नेफ्रॉन एनाटॉमी एंड बेसिक फिजियोलॉजी ऑफ द यूरिन फॉर्मेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा. ये टॉपिक हमारे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का पार्ट है. चाहे आप फार्मेसी के हों, नर्सिंग के हों, आप बायोलॉजी से हों, 11th 12th के हों, सब में ये काम आएगा क्योंकि टॉपिक्स ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहते हैं. सो इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, यू कैन चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो फॉर द लिंक. एंड इफ यू वांट टू डाउनलोड माय नोट्स, यू कैन चेक माय वेबसाइट www.pharmacyconcepts.in. सो लेट डिस्कस अबाउट द टॉपिक. सो ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम. सो द ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम इज अ वाइटल बायोलॉजिकल सिस्टम दैट रिमूव्स और एक्सक्रीट्स एक्सेस एंड वेस्ट प्रोडक्ट और मेटाबोलाइट फ्रॉम द बॉडी टू मेंटेन द होम्योस्टेसिस लाइक इलेक्ट्रोलाइट एंड फ्लूइड. तो बात करें हम लोग एक्सक्रेटरी सिस्टम की, मतलब एक्सक्रीशन की, मतलब रिमूवल की. किसी भी वेस्ट प्रोडक्ट हो, वेस्ट मेटाबोलाइट्स हो, कोई आपके एक्सेस कंटेंट हो, उसको हमारे बॉडी से इलिमिनेट करना या बाहर निकालना, वो एक तरीके से एक्सक्रीशन का प्रोसेस है या पार्ट है जिसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है, तो एक तरीके से बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं जिसमें हमारे जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो हमारे बॉडी से रिमूव होते हैं, इसलिए इसे बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम. द मेजर एक्सक्रीशन अकर्स विया द यूरिन, सो ऑल्सो नोन इज द यूरिनरी सिस्टम. क्योंकि हमारे जो बॉडी में जो आपके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो मेजर रूट है, पाथवे है, वो यूरिन है. मैक्सिमम जो आपके वेस्ट प्रोडक्ट हैं, आपके मेटाबोलाइट्स हैं, आपकी यूरिया है, क्रिएटिनिन है, एक्सेस अमाउंट ऑफ ड्रग्स हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे यूरिन के थ्रू ही बाहर निकलता है, इसलिए इसे हम यूरिनरी सिस्टम भी बोलते हैं. हाउएवर वेस्ट और मेटाबोलाइट्स कैन आल्सो एक्सक्रीट विया द फिसेस लाइक द अनअब्सॉर्ब फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट्स और ड्रग और मेटाबोलाइट्स. एक्सहेल्ड एयर लाइक लंग्स लाइक एल्कोहल. जैसे कि बात करें हमारे एल्कोहल की, जब हम एल्कोहल इंटेक करते हैं, कोई अगर शराब पीता होगा, पता होगा उनको, तो वो जो एल्कोहल है वो आपके यूरिन से जाता ही है. उसके अलावा आपके जो एक्सहेल है, जो आप सांस छोड़ते हो, तो उसके थ्रू भी आप बाहर निकलता है. तो जितने भी आपके वोलेटाइल लिक्विड्स हैं या जनरल एनेस्थेटिक्स होते हैं आपके खासकर, वो जो हैं आपके निकलते हैं एयर के थ्रू. इसके अलावा स्लाइवा से भी कुछ मेटाबोलाइट्स ये बाहर निकलते हैं और आपके मिल्क से भी आपके एक्सक्रीट होते हैं. इसके अलावा आपके टीयर भी है ना, आपके आंसू से या पसीना से भी बाहर निकलते हैं. तो ये आपके स्मॉल पाथवे हैं, रूट्स हैं. जो मेजर है वो हमारे यूरिन के थ्रू ही बाहर निकलता है, इसलिए इसे हम यूरिनरी सिस्टम भी बोलते हैं. तो इस सिस्टम के जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं वो चार होते हैं, बेसिक ऑर्गन्स फोर होते हैं. उसमें होते हैं आपके किडनीज, यूरेटर्स, ब्लेडर्स एंड यूरेथ्रा, जहाँ पे ये पूरा होल सिस्टम जो है जिसमें हमारे टू किडनीज प्रेजेंस होते हैं. किडनी कितने होते हैं? दो, ये वन और ये टू बोल सकते हैं. ये हमारा लेफ्ट किडनी और ये हमारा राइट किडनी. ठीक है, टू यूरेटर्स. अब हर एक किडनी के लिए एक यूरेटर, तो ये आपका लेफ्ट यूरेटर, सॉरी राइट यूरेटर, ये आपका लेफ्ट यूरेटर. वन ब्लेडर, जो आपका रिजर्वायर है यूरिन का, वो आपका ब्लेडर हो गया. और वन यूरेथ्रा, मतलब जो आपका एग्जिट पॉइंट है. सो ये बेसिक आपके स्ट्रक्चर है, एनाटॉमी है हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का या यूरिनरी सिस्टम का. अगर क्वेश्चन में आता है, ठीक है, ड्रॉ द वेल डायग्राम ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो आपको ये स्ट्रक्चर बनाना है जिसमें हमारा ये इन्फेरियर वेना केवा है, ये हमारा एक तरीके से वेन्स हैं, ये हमारा डोर्सल आर्टरा है, ये आपके आर्टरी बोल सकते हैं, इसे हम रिनल आर्टरी या ये आपका रिनल वेन बोल सकते हैं. ये जो किडनी के ऊपर में प्लेस्ड हैं वो हमारा क्या है, एड्रिनल ग्लांड्स हैं दोनों तरफ. ठीक है, अब किडनी की बात करें, इसमें हमारा ये आपका ये जो पाइपलाइन है जो किडनी से आता है ब्लेडर पे, मतलब जो भी यूरिन आपके किडनी में फिल्टर होते हैं वो यूरिन इस पाइपलाइन के थ्रू, जिसे हम बोलते हैं यूरेटर, वो पहुँचते हैं हमारे कहाँ, ब्लेडर पे. तो ये हो गया हमारा यूरिनरी ब्लेडर, और ये फिर आपके एग्जिट होते हैं यूरेथ्रा के थ्रू. अब बात करें किडनी की, उसमें आपके मेडुला हैं, कॉर्टेक्स सब होते हैं, आगे पढ़ेंगे ही.
तो बेसिकली इसमें टोटल 6 ऑर्गन्स होते हैं जिसमें 2 किडनी ही हैं। ऑर्गन तो 4 मेजर हैं बट क्वांटिटी बात वाइज की बात करें तो 6 होते हैं, जिसमें 2 किडनी, 2 यूरेटर, 1 ब्लेडर और 1 यूरेथ्रा होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बेसिक्स ऑफ एनाटॉमी ऑफ द किडनी। तो इट इज़ द मेन ऑर्गन विच वी टिपिकली हैव 2 किडनीज। दे लाई ऑन द पोस्टियर एब्डोमिनल वॉल, वन ऑन ईच साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, बिहाइंड द पेरिटोनियम एंड बिलो द डायफ्राम। तो ये जो किडनीज हैं वो हमारे बैक साइड पे पोस्टियर पार्ट पे एब्डोमिन के प्रेजेंस होते हैं। जो वर्टिब्रल कॉलम जो हमारा रीढ़ की हड्डी है उसमें आपका दोनों तरफ लेफ्ट और राइट दोनों तरफ प्लेस्ड होते हैं, डायफ्राम के बिलो होते हैं और इसका जो एक्सटेंशन है 12 थोरेसिक वर्टिब्रा से थर्ड लंबर तक होता है। इन द राइट किडनी इज यूजली स्लाइटली लोअर इन द पोजिशन देन द लेफ्ट किडनी, प्रॉबली बिकॉज ऑफ द कंसिडरेबली स्पेस ऑक्यूपाइड बाई द लीवर। क्योंकि आपके जो राइट किडनी है, ये आपका क्या है, आपका राइट किडनी है, तो इस राइट किडनी पे की बात करें तो राइट किडनी के ऊपर में आपका क्या होता है, एक तरीके से हमारा लीवर होता है, तो इस लीवर को स्पेस अधिक घेर लेता है, इसलिए जो राइट किडनी है वो उसका जो आपका पोजिशन है वो लेफ्ट से थोड़ा सा लोअर रहता है। ठीक है, बात करें इसके साइज की, तो किडनी आर द बीन शेप्ड ऑर्गन्स, ये बेसिकली जो राजमा है उसके जैसा दिखाई देता है, आप पता है, एंड अबाउट 11 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 6 सेंटीमीटर वाइड। जो लेंथ इसकी है वो होती है अप्रोक्सीमेटली 11 सेंटीमीटर और जो विड्थ है वो होती है अप्रोक्सीमेटली 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और थिकनेस की बात करें तो ये अप्रोक्सीमेटली होती है 3 सेंटीमीटर थिकनेस। बात करें इसकी वेट की, वो होती है 150 ग्राम अप्रॉक्सीमेटली, ये 120 टू 180 ग्राम तो भी हो सकता है, डिपेंड करता है ह्यूमन टू ह्यूमन। एंड द किडनीज फिल्टर द ब्लड टू रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट, एक्सेस वाटर एंड अदर सब्सटेंस। तो जो भी हमारे लीवर पे या जो भी हम लोग कोई भी फूड मटेरियल हो, ड्रग मटेरियल हो या कुछ भी हम लोग इंटेक करते हैं ओरल के थ्रू, तो क्या होता है, वो हमारे जो स्टमक हैं, इंटेस्टाइंस हैं, उसमें एब्जॉर्ब होता है। जो भी आपका कार्बोहाइड्रेट है वो बनता है ग्लूकोज, जो प्रोटीन्स हैं वो बनते हैं एमिनो एसिड्स, जो आपके फैट्स हैं वो बनते हैं फैटी एसिड्स वगैरह। ये कहीं ना कहीं हमारे लीवर्स पे मेटाबोलाइज होने के बाद ये लीवर के जो वेंस हैं उसमें आपके पहुँचते हैं और उस वेंस के थ्रू पहुँचते हैं हार्ट पे और पूरे बॉडी में सर्कुलेट होते हैं। तो जहाँ जहाँ उसका यूटिलाइजेशन होता है वो यूज़ होता है। और जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो आपके एक्सेस मेटाबोलाइट्स हैं या कोई हार्मफुल मेटाबोलाइट्स हैं, तो वो आपके पहुँचते हैं डायरेक्टली या घूम फिर के किडनी पे। तो किडनी पे जो आप पहुँचेंगे, जैसे कि हमारा ये किडनी है, इस किडनी पे जो है आपका ये रिनल वेंस है, तो इस रिनल वेंस के जो हैं, या बात करें रिनल आर्टरी की, है ना, क्योंकि रिनल वेंस से आपका ब्लड इंटेक होता है, आर्टरी से पहुँचता है। ठीक है, तो होता क्या है वहाँ पे, ये जो किडनी रिनल आर्टरी के थ्रू जो हमारा जो भी प्रोडक्ट है वो पहुँचता है आपके इस किडनी पे, और यहाँ पे जो एरिया है जहाँ पे होते हैं नेफ्रॉन, उस नेफ्रॉन पे फिर जो आपके ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के थ्रू जो हैं ब्लड फिल्टर होते हैं। तो ब्लड में जो बेसिक कंपोनेंट है ब्लड के वो उसमें प्रेजेंस होते हैं, लेकिन जो एक्सेस मटेरियल है, जैसे कि बात करें यूरिया हो, क्रिएटिनिन हो, है ना, एक्सेस अमाउंट ऑफ एमिनो एसिड्स हो, आयंस हो, ये सब यूरिन में पहुंचते हैं और कुछ जो इसेंशियल है वो रीअब्जॉर्ब भी हो जाते हैं, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो हमारे वाटर के थ्रू, जिसमें हम इसे बोलते हैं यूरिन, वो अब इसमें फिल्टर होके इस ओरिफिस के जो हैं आपके निकलते हैं इस यूरेटर पे और ये पहुँचते हैं हमारे ब्लेडर पे। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। सो द किडनी फिल्टर्स द ब्लड एंड रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक, तो बात करें किडनी के स्ट्रक्चर की, ये बेसिक किडनी का स्ट्रक्चर है। क्वेश्चन अगर आएगा राइट डाउन द बेसिक एनाटॉमी ऑफ किडनी, तो आपको ये स्ट्रक्चर आपको बनाना है, जिसमें आपको ये किडनी का शेप है, ये हमारा सुपीरियर पोल ऑफ किडनी है, यहाँ पे आप एड्रेनल ग्लैंड भी बना सकते हैं, ये आपके कॉर्टेक्स है, ये मेडुला है, ये आपके मेजर कैलिक्स हैं, है ना, ये आपके माइनर कैलिक्स हैं। ठीक है, ये आपका जो है ये पार्ट आपका हीलियम है, रिनल आर्टरी, रिनल वेन, ये आपके यूरेटर है। ठीक है, ये आपका रिनल मेडुला हो गया, ये आपका कॉर्टेक्स हो गया, एरिया आपका कॉर्टेक्स है, ये जो एरिया दिखाई दे रहा है आपको वो क्या है, मेडुला है। तो हमारा जो नेफ्रॉन है इसी कॉर्टेक्स और मेडुला के बीच में होता है, कुछ पार्ट आपके जो कलेक्टिंग डक्ट वगैरह है वो नीचे होते हैं, जो आपके ग्लोमेरुलस वगैरह है वो ऊपर होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। ये आपके मेडुलर पिरामिड हैं, है ना, ये आपके पिरामिड्स हैं। ठीक है, ये आपके जो आर्टरीज हैं और वेंस हैं, उनके वेन्यूल्स, आर्टरी वगैरह हैं, कैपिलरी जंक्शन वगैरह आपको दिखाई दे रहे हैं।
तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है आपका किसका, किडनी का। ये सारे जो इमेजेस हैं, कंटेंट हैं, कहीं ना कहीं हमने रॉसन विल्सन से या आपके गूगल कंटेंट से हमने ऑलरेडी सोर्स को मेंशन किया है, तो उन जो क्रेडिट है वो उनको भी जाएगा जिनका ये इमेज जो है ड्रॉ किए हैं, बनाए हैं, ठीक है। सो दे ऑल्सो प्ले ए वाइटल रोल इन द रेगुलेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस एंड एसिड बेस बैलेंस। जो मेजर रोल है हमारे किडनी का वो बेसिकली ब्लड प्योरीफिकेशन तो है ही, उसके साथ में जो वेस्ट प्रोडक्ट का है उसको एसिड आउट करना है, तो उसके थ्रू जो है हमारे बॉडी के अंदर में जो फ्लूड हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जो आयंस हैं, उनको वो रेगुलेट करते हैं, मेंटेन करते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइट होम्योस्टेसिस। इसके अलावा जो एसिड बेस है उसको भी मेंटेन करते हैं, जो कि हमारे जो ब्लड का पीएच है वो अप्रॉक्सीमेटली 7.4 के आसपास होता है, तो उस पीएच को भी मेंटेन रखता है हमारा, यूरिन के थ्रू ही मेंटेन होता है, मतलब वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके थ्रू हमारा जो ब्लड प्रेशर है, क्योंकि किडनीज आपके यूरिन निकलेगा उसमें आयंस निकलेंगे, तो क्योंकि आयंस भी मेजर रोल करते हैं आपके ब्लड प्रेशर पे, आगे हम पढ़ेंगे या पढ़ चुके होंगे आपने, तो आपके ब्लड प्रेशर रेगुलेशन में, आपके फ्लूड होमोस्टेसिस पे भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनीज आर द नेफ्रॉन्स। तो नेफ्रॉन्स हमारा फंक्शनल यूनिट है, जो कि हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, जो अप्रॉक्सीमेटली 1 to 2 million प्रेजेंस होते हैं हमारे एक किडनी पे, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिल्ट्रेशन एंड रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द वेरियस सब्सटेंस, जो भी एसेंशियल कंपाउंड्स, जैसे की बात करें एमिनो एसिड्स हो, आपके जो ग्लूकोज हो या आयंस हो, उनको ये रीअब्जॉर्ब भी करते हैं, जो एक्सेस हैं उसको बाहर निकालते हैं, जो एसेंशियल हैं, जरूरी हैं, उसको रीअब्जॉर्ब भी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है यूरेटर। यूरेटर कौन सा है, जो पाइपलाइन बोलते हैं जिसको, जो किडनी, जो यूरिन को किडनी से आपके ब्लेडर तक लाता है, वो आपका यूरेटर है, पाइपलाइन है, जो एक तरीके से मस्कुलर पार्ट है एक तरीके से। द यूरेटर आर द थीन मस्कुलर ट्यूब्स दैट कनेक्ट ईच किडनीज टू द ब्लेडर। दे ट्रांसपोर्ट यूरिन फ्रॉम द किडनीज टू द ब्लेडर यूजिंग द पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन। द यूरेटर प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ यूरिन फ्रॉम द ब्लेडर टू किडनीज थ्रू द प्रेजेंस ऑफ वन वे वाल्व। तो जहाँ पे यहाँ पे ओपनिंग होती है ना, उस ओपनिंग पे वाल्व होते हैं, वन वे वाल्व होता है, ठीक है। वो इस तरीके से होगा, मान के चलो इस तरीके से है ना, तो वापस से ब्लैक बैक फ्लो जो है नहीं हो पाता, ये इस तरफ होता है बट इस तरफ जो है नहीं हो पाता, इसलिए वन वे वाल्व हम बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट हमारा है ब्लेडर। तो ये बेसिक आपके स्ट्रक्चर है ब्लेडर का, जिससे यहाँ पे यूरिन रिजर्वायर होते हैं, यूरिन रिजर्व रहता है, ठीक है। तो ये आपका, ये जो है आपका यूरेटर है, ये हमारा जो है यूरेटर का ओपनिंग है ना, इसको बोलते हैं यूरेट्रिक ओरिफिस। ये जो मसल्स हैं डेट्रसर मसल्स हैं, ये आपके रेग हैं, ये आपका ट्राई, ये जो मसल्स हैं वो आपका ट्राइजन मसल्स हैं, ये आपका यूरेथ्रा है। तो ये दोनों के बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे यूरिनेशन पे, ठीक है। एक तरीके से ये बात करें, ये दोनों अपोजिट काम करते हैं, अगर ये कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये रिलैक्स होगा। तो जब हमको यूरिन आता है, जब हमारा ब्रेन सिग्नल देता है, आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा सिंपैथेटिक सिस्टम या पैरासिंपैथेटिक सिस्टम पे, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पढ़ा होगा यूरिन जो है किस तरीके से आपका होगा। तो जब हमारा सिस्टम एक्टिवेट होता है, सिग्नल्स मिलता है यूरिन करने के लिए, तो जाहिर सी बात है ये जो आपका डिस्ट्रेशन मसल्स हैं वो क्या होंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, वो क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जिससे जो है आपका प्रेशर बढ़ेगा। अब ये जो मसल्स हैं, जो आप ओपनिंग है, अब अगर ये भी कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लॉक होगा, तो ये होता है ओपनिंग, ये होता है रिलैक्स होता है, ठीक है। जो कि हमारे अलग अलग जो नर्वस सिस्टम हैं और ऑटोनॉमिक के, पैरा और आपके सिंथेटिक, दोनों पे रोल प्ले करता है, ठीक है। तो इसलिए हम उसको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ मैं, तो उस वीडियो को भी देखिए एनएस का, ताकि आपको और समझ में आ सके, ठीक। चलिए अब आते हैं हम लोग इसके, पढ़ लेते हैं इस बारे में। द ब्लैडर इज ए होलो मस्कुलर ऑर्गन लोकेटेड इन द लोअर एब्डोमेन, इट एक्ट्स एज ए टेम्पररी स्टोरेज ऑफ द यूरिन। द ब्लैडर एक्सपेंड एज इट फिल्स विथ यूरिन एंड वंस इट रीचेस ए सर्टन कैपेसिटी इट सेंड सिग्नल टू द ब्रेन एंड इनिशिएट द सेंसेशन ऑफ द नीडिंग टू यूरिनेट। तो इसकी कैपेसिटी होती है अलग होती है, ठीक है। तो अब जब भी सिग्नल्स मिलता है तो यूरिन आपके बाहर निकलता है, जब एक्सेस अमाउंट में यूरिन आपके ब्लेडर पर फिल हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं लास्ट है यूरेथ्रा। सो यूरेथ्रा इज ए ट्यूब दैट कनेक्ट द ब्लेडर टू द एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द बॉडी। तो जो भी आपका ओपनिंग पार्ट है, ये आपका सपोज ब्लेडर है और ये आपका ओपनिंग पार्ट है,
अब जो है ये ओपनिंग पार्ट जो है मेल और फीमेल में जो स्ट्रक्चर है इस पार्ट का वो अलग अलग होता है। मेल पे यहाँ पे पोस्टीरियर ग्लैंड भी होते हैं, पता होगा। तो ये हमारा यूरेथ्रा, यह पार्ट यूरेथ्रा पार्ट है, ठीक है, जहाँ से आपका ब्लैडर से यूरिन जो है ओपनिंग तक आता है। ये भी एक मस्कुलर रीजन है जहाँ पे स्फिंक्टर वगैरह होते हैं, ठीक है। सो इन द मेल इट्स सर्व्स द ड्यूअल फंक्शन लाइक ट्रांसपोर्ट द बोथ यूरिन एंड सीमेन। तो बात करें हम लोग मेल की, तो उसमें ये जो आपका पाइपलाइन है उसमें सीमेंस भी और यूरिन भी दोनों ही पास होते हैं। इन फीमेल इट इज शॉर्ट एंड शॉर्ट होता है एंड ओनली कैरीज यूरिन। द यूरेथ्रल स्फिंक्टर्स मसल्स हेल्प्स टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ द यूरिन एंड प्रिवेंट द लीकेज। तो ये जो मसल्स हैं आपके जो स्फिंक्टर मसल्स होते हैं इस एरिया पे, वो उसको क्लोज रखते हैं। जब यूरिनेशन होता है तभी ओपनिंग होती है, आगे समय ओपनिंग नहीं रहती है, तो उसको लीकेज को भी ये कंट्रोल करते हैं हमारा यूरेथ्रा का जो स्फिंक्टर्स मसल्स हैं, ठीक है। अब आते हैं बेसिक्स फंक्शंस के बारे में। सो मेन फंक्शन तो आपका एक्सक्रीशन ही है, चाहे वो वेस्ट मेटाबोलाइट्स हो, यूरिया हो, क्रिएटिनिन हो, एक्सेस साल्ट्स हो, वाटर हो। द किडनीज फिल्टर द ब्लड, रीअब्सॉर्ब द नेसेसरी सब्सटेंस। उसके अलावा जो भी इसेंशियल कंपोनेंट्स हैं लाइक द ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स एंड कंसनट्रेटेड द वेस्ट प्रोडक्ट इन टू यूरिन। प्लेस क्रूशियल रोल इन द मेंटेनिंग द फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट, रेगुलेटिंग द ब्लड प्रेशर, इलिमिनेटिंग द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी, थस हेल्पिंग द मेंटेनिंग द ओवरऑल हेल्थ एंड होम्योस्टेसिस, ठीक। तो ये इसके बेसिक फिजियोलॉजी या बात करें फंक्शन की है। अब जो बेसिक फिजियोलॉजी है यूरिन फॉर्मेशन की, कि हमारे यूरिन किस तरीके से फॉर्म करते हैं हमारे नेफ्रॉन के अंदर में, कैसे ब्लड आता है, ब्लड से कैसे फिल्टर होता है, क्या उसके बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, कहाँ पे वो फिल्टर होता है, कहाँ पे रीअब्सॉर्ब होता है, कहाँ पे रिसिक्रीट होता है, कहाँ पे वो निकलता है, ये सब पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे। सो आई होप यू लाइक माई वीडियोज। इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड एंड एनी फीडबैक प्लीज़ कमेंट द कमेंट सेक्शन, दैट मोटिवेट्स फॉर द कमिंग वीडियोज। एंड लास्ट थैंक यू, कीप वॉचिंग।